हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, इस एक बात को छोड़कर बाकी सब बदल सकता है। और हम सबका एक ही एक सपना है, अखंड हिंदू राष्ट्र। आत्मा नाथुराम गोडसे अमर रहे, अमर रहे। इस साल 2 अक्टूबर को गांधी जी का 150वां जन्मदिन मनाया गया। ये तो हम सब जानते हैं कि गांधी जी को राष्ट्रपिता या देश का बापू कहा जाता है। बचपन से ही हमें उनकी कहानियाँ सुनाई गई और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर चलने की सीख दी गई। हर साल 2 अक्टूबर को देश भर के लोग उन्हें उनकी जयंती पर याद करते हैं, लेकिन इस साल नज़ारा कुछ अलग था। सोशल मीडिया पर गांधी की जगह गोडसे ट्रेंड कर रहा था। गोडसे के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, और अगर पता होगा तो शायद इतना ही कि वो गांधी का हत्यारा था। तो आखिर राष्ट्रपिता की हत्या करने वाले गोडसे के लिए आज गोडसे अमर रहे के नारे क्यों लग रहे हैं? लेकिन अचानक से जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है तो गोडसे को देशभक्त क्यों बताया जाने लगा है? भाजपा के एक सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने अपने चुनाव प्रचार में कहा था कि गोडसे देशभक्त हैं। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे, ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेवान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। इतना ही नहीं, भाजपा के एक और सांसद साक्षी महाराज ने भी गोडसे को नेशनलिस्ट बताया था। मुझे लगता है कि नाथूराम गोडसे भी एक राष्ट्रभक्त था और महात्मा गांधी जी ने भी राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया, तो लोगों का अपने तरीके से सोचने का तरीका है। मनाया जा रहा है कि नहीं मनाया जा रहा, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए उस संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आखिरकार तो उसके दिल में भी दर्द था और उसने उसका उस समय का जो स्टेटमेंट है वो मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्ति से ही ओतप्रोत था। किसी कारण से गुस्सा से अगर उसने कोई गलती की होगी तो मुझे संदर्भ में नहीं, लेकिन वो राष्ट्रद्रोही भी नहीं था। तो वहीं हिंदू महासभा ने भी गोडसे को देशभक्त मानते हुए गांधी जी के पुतले पर गोली चलाई थी। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आखिर अचानक से गोडसे को इतनी महत्वता क्यों दी जाने लगी है? असल में नाथूराम गोडसे आरएसएस से जुड़ा हुआ था और हिंदू राष्ट्र के समर्थन में था। नाथूराम ने अपने आखिरी भाषण में कहा था, मेरा पहला दायित्व हिंदुत्व और हिंदुओं के लिए है, एक देशभक्त और विश्व नागरिक होने के नाते 30 करोड़ हिंदुओं की स्वतंत्रता और हितों की रक्षा अपने आप पूरे भारत की रक्षा होगी। वास्तव में गोडसे गांधी के धर्म निरपेक्ष विचारधारा से नफरत करता था, जो कि शायद संघ की विचारधारा को सुहाती नहीं थी, इसलिए उसने गांधी की हत्या कर दी। अब जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है तब से हिंदू राष्ट्र की बातें ज्यादा ही सुनाई देने लगी हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि जब तक एक भी हिंदू रहेगा तब तक हिंदू राष्ट्र कायम रहेगा। ऐसी बहुत सी बातें आई तो बाला साहब ने कहा कि देखो भाई, संघ में हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, इस एक बात को छोड़कर बाकी सब बदल सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र ये किसी के दिमाग से उपजी हुई बात नहीं, वो चलती आई हुई बात है। ये क्या है, ऐसा अध्ययन डॉक्टर हिंदगवार ने बहुत किया था, तो किस देश काल परिस्थिति में ये बदल सकता है उसको भी उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि भारत को अपनी मातृभूमि मानने वाला और अपने आप को हिंदू कहने वाला एक व्यक्ति जब तक इस भूमि में जीवित है तब तक ये हिंदू राष्ट्र है। इतना ही नहीं, भाजपा नेता राजा सिंह भी हिंदू राष्ट्र को लेकर काफी विवादित बयान दे चुके हैं। मेरे भाइयों, आपको पता है मुस्लिम स्टेट कितने हैं? 52। क्रिश्चियंस देश कितने हैं? 54। एक भी हिंदू देश बताओ मुझे, क्या कहीं है क्या एक भी हिंदू देश? एक नेपाल था, वो भी गया। अब हम सब लोग मंच पे उपस्थित हमारे प्रमोद जी, जितने भी साधु संत हैं, ऐसे कई जो धर्म के प्रति कार्य कर रहे हैं, उनका एक सपना है मेरे भाइयों, उस सपने को आप ही पूरा कर सकते हो। सिर्फ हिंदू योद्धा ही वो सपने को पूरा कर सकता है, और हम सबका एक ही एक सपना है, अखंड हिंदू राष्ट्र। हमें क्यों सीखना है लठ चलाना, हमें तलवार चलाना क्यों सीखना है? हमारी देश की रक्षा के लिए, हमारे धर्म की रक्षा के लिए, अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए। हर हिंदू अपने घर में हथियार रखना सीखे मेरे भाइयों। अगर आपके घर में हथियार नहीं होगा तो आप अपने आप की क्या, अपने परिवार की भी रक्षा आप नहीं कर सकते मेरे भाइयों।
हैरानी इस बात की होती है कि केंद्र सरकार कैसी दो मुही राजनीति कर रही है। एक तरफ तो सरकार जोरों शोरों से गांधी जयंती मनाने और गांधी के असूलों पर चलने की बात करती है और हमारे प्रधानमंत्री गांधी जी का आशीर्वाद लेने जाते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार के मंत्री हमारे राष्ट्रपिता के हत्यारे को ही देशभक्त बताते हैं परंतु उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती। गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानी धर्मनिरपेक्ष थे और हिंदू राष्ट्र उनका सपना नहीं था, लेकिन आज हम एक ऐसे दौर में आ चुके हैं कि धर्म के नाम पे हत्याएं हो रही हैं लेकिन कार्यवाही कहीं पे भी नहीं हो रही। हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने लेख लिखकर गांधी के असूलों को ही जरूरी बताया है, वही वे अपने साथियों को भी समझा पाएंगे ताकि देश का माहौल अच्छा बना रह सके। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।